पैरा बोला कि यार चार किस्म की इक्वेशन आपके पास एग्जाम में आ सकती है। अच्छा, मैंने छह केसेस डिस्कस किए हैं, अगर आप टेबल में जाओ तो वो छह केसेस हैं, उसमें से दो केसेस माइनस वाले हैं कि यार अगर एक पैराबोला जो है वो इस तरह अगर बन रहा है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। अगर नीचे बनेगा तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। इसी तरह अगर इस तरह बनेगा तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और अगर इस तरह बनेगा तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। इन सब केसेस में ए जो है ना वो आप पॉजिटिव ले रहे होते हो, और यार जिस स्टूडेंट को मसला हो रहा है भाई आपके नेट का मसला है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को मसला नहीं हो रहा। आप बार बार चैट में मैसेज ना करो, या तो अपना नेट रीस्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरी तरफ से इशू नहीं है ये। ये चार किस्म की पैराबोला की इक्वेशन है, जब जो एक्सिस है ना वो या तो एक्स एक्सिस होता है या वो वाई एक्सिस होता है। पैरेलल के केस में वो अलग टाइप की इक्वेशन होती है, वो आप देख के पहचान सकते हो। इन सब केसेस में ए आप पॉजिटिव लेते हो, मतलब आप कंसीडर करते हो ए पॉजिटिव है। अगर वो इस तरफ है तो बाय बिल्टन माइनस लगा दोगे, अगर वो इस तरफ है बाय बिल्टन माइनस लगा दोगे, और इन दोनों केसेस में तो इक्वेशन भी पॉजिटिव होती है और ए भी पॉजिटिव होता है। बहरहाल जब ये सवाल आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह आपने सॉल्व करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट कर लो आपके पास पहली एग्जाम्पल है, आपके पास आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा इसके अंदर, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड पैराबोला में दो तीन चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं, अगर इस टाइप की इक्वेशन है। सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या है इसके अंदर। तो देखो, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम याद रखना, जो भी x के साथ लिखा हुआ है ना, अगर आपकी इक्वेशन में, मतलब पैराबोला की इक्वेशन में वाई स्क्वायर मौजूद है, मतलब स्क्वायर की टर्म जो है वो वाई वाली है, तो फिर जो एक्स की कोफिशेंट होगा ना वो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम हो जाएगा। क्या मैंने बात बोली है कि अगर आपकी इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म वाई वाली है ना, तो आप देखोगे एक्स वाली टर्म को, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम हो जाएगी। चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो चाहे वो पैरेलल के केस हो, दोनों में चीज वैलिड है, मैं अलग अलग बता भी दूंगा। इस वाले केस में तो बहुत ईजी होता है, एक्स के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो लेटर रेक्टम है, बस अगर नेगेटिव होगा तो उसको आप पॉजिटिव कर देना, क्योंकि लेंथ आप पॉजिटिव ले रहे होते हो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या है, 12 के बराबर है। तो एक बात ये पूछ ली जाती है, नॉर्मली इसमें वर्टेक्स का भी पूछा जाता है। इस वाली इक्वेशन में वर्टेक्स पूछते नहीं है, लेकिन अगर वो वर्टेक्स पूछ भी ले तो आपको पता है वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होगा इसका, ठीक है। दूसरी चीज जो ज्यादातर पूछी जाती है वो फोकस पूछा जाता है। आपको अगर पता हो तो ये बिल्कुल पहला कॉलम है, इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये बिल्कुल पहला कॉलम है जो टेबल मैंने आप लोगों को बताया था। तो जाके देखना उसमें फोकस जो है वो ए कॉमा जीरो के ऊपर है। अब सवाल ये कि ए की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होती है, मतलब एक्स के साथ क्या चीज़ लिखी होती है, फोर ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12। तो फोर ए को आप 12 के बराबर रखो, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3, 0, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ इसमें। तो जो पहला वाला कॉलम है उसमें जाके आप देख लेना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो थी x प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप, आपको a की वैल्यू पता है, आप पुट कर दो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस आपने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये चार चीज़ें जो है वो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जो मैंने आप लोगों को टेबल में लिखवाया है ना, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो वो आप लोग बाकी टेबल में देख लेना जाके, बाकी काम आप लोग खुद कर लेना। मैं आप लोगों को वो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जो मेजॉरिटी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं आपसे। बाकी अगर देखो, आपको अगर ए की वैल्यू पता है तो आप कुछ भी मालूम कर सकते हो, जैसे आपने डायरेक्ट्रिक्स के अंदर ए की वैल्यू पुट की, आपके पास की इक्वेशन आ गई, फोकस के अंदर पुट की, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। तो जब आपको ए पता चल गया ना इस सिचुएशन में, तो आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए आप आसानी से बता सकते हो, बस शर्त ये कि आपको पूरा कॉलम आना चाहिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये चार चीज़ें जो हैं ज़्यादातर आती हैं तो मैं इन्हीं को लेके चलूँगा। लेट कर लो वो ये दे दें, थोड़ा इजी करते हैं, 16 कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x, अब क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगेन वही, सबसे पहला सवाल लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। मैंने बताया था एक्स के साथ जो भी चीज़ लिखी हुई है वो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना उसको। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगी। फिर लेट कर लो आपसे वर्टेक्स पूछें, वर्टेक्स तो बहुत इजी है, ओरिजिन के ऊपर होगा। फोकस अगर आपसे पूछा जाए,
तो आपको बताइए सेकंड कॉलम वाला केस है जो मैंने टेबल आप लोगों को बताया था। तो सेकंड कॉलम में जाके देखना जो आपका फोकस है वो इस पे ऊपर होता है, ठीक है, माइनस ए कॉमा जीरो। अब सवाल ये कि ए कहाँ से आएगा, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो इसकी जनरल इक्वेशन से, जो सेकंड कॉलम है उसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो जनरल इक्वेशन ये होगी, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे माइनस और एक्स के दरमियान 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस और एक्स के दरमियान 4a लिखा हुआ है, तो आप 4a को 16 के बराबर रखो, a यहाँ पे 4 आ रहा है, बस पुट कर दो। फोकस के कोऑर्डिनेट थे माइनस ए, ए यहाँ पे 4 है, ये लो भाई फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस 4, 0। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। तो सेकंड कॉलम में जाके देख लेना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस थी एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या है 4, तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। तो ये बहुत सिंपल केसेस हैं जो हमने कर ली हैं। अब मैं एक आपको तीसरे कॉलम वाला करवा देता हूँ, चौथे कॉलम वाला आप लोग खुद कर लेना, फिर हम जो एंड के जो मुश्किल वाले केस थे वो कर लेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अब कंसीडर करो पैराबोला, अब इसका एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस वाला केस है, जो तीसरा कॉलम था पैराबोला के टेबल में। मैं टेबल बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि टेबल असल चीज़ है, तो अगर उसके हिसाब से आप सीख लोगे ना आपको एग्जाम में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। जब आपको टेबल रटा हुआ है तो आपको कुछ भी बोला जाए आसानी से निकाल सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ वही बात, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया था ना उसको लेके चलो, मैंने बोला था कि अगर इस वाली इक्वेशन में तो इतना मसला नहीं होता, आप बोल दोगे वाई के साथ जो लिखा हुआ है, लेकिन जो पैरेलल वाले केस है ना उसमें ये चीज बड़ी काम की होती है। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं कि अगर स्क्वायर टर्म वाई की है तो फिर जो एक्स के साथ लिखा होगा वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा, और अगर स्क्वायर टर्म एक्स की है तो जो वाई के साथ लिखा होगा वो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी। एक्स माइनस ए कैसे आया ये मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था, वो टेबल आप जाके देख लेना आपको समझ आ जाएगी। सेकंड कॉलम था ये, सेकंड कॉलम में जाके देख लेना। तो यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है 12, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगी 12 के बराबर हो जाएगी। दूसरी चीज़ वर्टेक्स, आपको पता है वर्टेक्स इसमें भी ओरिजिन के ऊपर होता है। अच्छा इसको थोड़ा मुश्किल बना देते हैं, मैं इसको ये कर देता हूँ, ये चौथा वाला केस बन गया माइनस वाला। तीसरा वाला केस ईजी हो जाएगा यार, चौथा वाला माइनस वाला केस थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 12 हो जाएगी, वर्टेक्स ओरिजिन। अच्छा अब बात की जाए फोकस, तो अगर आप चौथे कॉलम में जाओगे तो आपको नजर आएगा फोकस वहां पे था 0, -a के ऊपर। अगेन अब आपको a चाहिए, a कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करना इसकी जनरल इक्वेशन से। तो माइनस और y के दरमियान क्या आ रहा है 4a, और यहाँ पे माइनस और y के दरमियान आ रहा है 12, तो 4a बराबर है 12 के, a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो आप पुट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। और लेट कर लो अगर आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सॉरी डायरेक्ट्रिस, पैराबोला में तो एक ही होता है, तो वो हो जाएगी y माइनस a इक्वल टू जीरो। ए आपने निकाल लिया है, y माइनस 3 इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। चौथा वाला केस मैंने आप लोगों को करवा दिया, जो चौथा वाला कॉलम था। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को इश्यू नहीं होगा। इसके अलावा मुझे याद नहीं और क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन जो भी चीज़ थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी। अगर आपको टेबल याद है तो आपको कुछ भी बोला जाए। जो शुरू के चार केसेस थे ना उसमें असल चीज़ ए थी, अगर आपको ए पता है ना तो आप हर चीज़ निकाल सकते हो। अब उस टेबल में आप देख लेना बाकी और क्या क्या क्वांटिटीज़ थी, उसके मुताबिक आप सॉल्व कर लेना, बस ए पता होना चाहिए आपको, बाकी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये जो सिंपल वाले केस थे मैंने करवा दिए, अब थोड़े मुश्किल वाले पे आ जाओ। मुश्किल वाले इन द सेंस के जो मैं बुक से एग्जांपल पे करता हूँ, जिसमें पैराबोला के एक्सिस जो है वो पैरेलल वाला केस है। अब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मेथड सब में सेम ही होगा, तो मैं एक साथ ही आप लोगों को करवा देता हूँ। तो मैं 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसके पार्ट्स पिक कर रहा हूँ, कुछ मैं करवा दूँगा कुछ आप लोग देख लेना। 4x 4y, अच्छा -6y 8x -23। ठीक है, अब ये आपको दिखने में लग रहा है कि ये पांचवा वाला केस है। जब स्क्वायर टर्म y की है ना तो इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस वाला केस है,
और अगर x वाली टर्म स्क्वायर होती तो पैरेलल टू y वाला हो जाता, जो छठा वाला कॉलम मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था। अब वही चीजें जो आपने बाकी केसेस के लिए पढ़ी हैं, इसमें देख लेते हैं किस तरह निकालोगे आप। सबसे पहला वाला केस है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर y स्क्वायर वाली टर्म है तो फिर आप x का कोएफिशिएंट देखोगे। x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 8। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने तो पॉजिटिव ही कंसीडर करना होता है। तो यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी, 8 के बराबर। उसके बाद असल चीज है वर्टेक्स। अगर आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो तो रख लो, वरना मैं आपको जो कन्वेंशनल मेथड है ना, मैं उसी से हमेशा करता हूं, क्योंकि मुझे इतनी ट्रिक्स फिक्स याद नहीं रहती, लिखी भी होती है मेरे पास। जो नॉर्मल मेथड होता है मैं उसी से करता हूं, लेकिन आप कुछ लोगों को कीड़ा होता है ना, ट्रिक बताएं, तो मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों की मेमोरी अच्छी है तो याद रख लेना इस ट्रिक को। वर्टेक्स की ट्रिक है कि वर्टेक्स किस तरह निकालोगे आप। तो आपको पता है जो आखिरी के दो कॉलम थे उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे एच कॉमा के के ऊपर, तो आपको एच और के की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप देखो आपकी इक्वेशन में वाई स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स को आप इग्नोर कर दो। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और माइनस सिक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा -6। एक्स को और कॉन्स्टेंट टर्म को इग्नोर कर दो, उनको हटा दो। जो वाई वाली टर्म है ना, उनको आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद वाई की वैल्यू निकालो, यहां से वाई की वैल्यू 3 आ रही है। तो जो आपके पास y की वैल्यू आई है वो बेसिकली वर्टेक्स की k वैल्यू आ गई है आपके पास। जो वर्टेक्स है ना उसकी जो y वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 3 के बराबर आ गई है। तो अब आपको वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट पता चल गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, आप जस्ट इस 3 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। तो 3 पुट करो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे y की जगह 3 पुट करो, 3 इंटू -6 -18, फिर होगा +8x, फिर होगा -23 -0। 9 माइनस 18 होता है -8, -8 और -23 ये बराबर होगा -31 के, नहीं 9 माइनस 18 -9 होता है, सॉरी। तो -9 और -23 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -32। यहाँ से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू आई है ना, वो बेसिकली आपके पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। तो ये ट्रिक है, अगर पसंद आती है तो कर लो। मैं यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड डिस्कस करूंगा, वो अगर अच्छा लगता है तो वो आप कर लेना। बहरहाल दोबारा मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर y स्क्वायर वाली टर्म है तो आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट, x और कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर देना। ये समझ लेना कि कांस्टेंट थे, इनका आपने डेरिवेटिव लिया तो जीरो हो गए। जो y वाली टर्म है उनको डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू जीरो रखना, y की वैल्यू निकालना। जो y की वैल्यू होगी वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वर्टेक्स के अंदर, फिर उस y की वैल्यू के इक्वेशन के अंदर पुट करना, x की वैल्यू निकालना, वो x वैल्यू हो जाएगी वर्टेक्स की x कोऑर्डिनेट। उसके बाद आपको निकालना था यहां पे फोकस। अब फोकस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फोकस के लिए आपको ए पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, के पता होना चाहिए। एच और के तो आपको पता है, फोकस आपको नहीं पता। अब ए कैसे पता करोगे, अगर आपकी ये जो पूरी इक्वेशन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, आपको ये याद हो तो जो पैरेलल वाले केस थे ना उसमें वाई वाली ड्रम लेफ्ट हैंड साइड पे होती थी और एक्स वाली ड्रम राइट हैंड साइड पे होती थी। तो अगर आप इस 8x को उधर लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। तो यहां पे बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन असल में जब आप 8x को उधर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 4a बराबर होगा -8 के, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2। आपके पास a भी आ गया, आपके पास h भी आ गया, आपके पास k भी आ गया। अब लेट कर लो, अगर आपको फोकस निकालना है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं पांचवें वाले केस में h प्लस ए कॉमा के, टेबल में जाके देख लेना आप लोग। तो h यहाँ पे 4 है, 4 a यहाँ पे माइनस है, k यहाँ पे j है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। सर ये इक्वेशन कैसे बनी 9 - 18x वाले, प्लीज रिपीट करें। 9 - 18x वाली, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है इस इक्वेशन के अंदर, इस तरह बनी है ये। मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है सबको, इन तीन कोऑर्डिनेट में अगर मसला है तो पूछ लो।
सर 4a-8 वाली रिपीट कर दें, 4a-8 क्या बताया था मैंने यहाँ पे, हाँ मैंने ये बताया था कि जब आप 8x को उधर लेके जाओगे ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, -8x हो जाएगा, तो -8 होगा, 4a बराबर हो जाएगा -8 के। या भी जब मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले आप एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मसले हल हो जाएंगे आपके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना उसको जरा देख लो, बहुत इजी है, उसके बाद आप लोगों के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ये कन्वेंशनल मेथड में वाई स्क्वायर और वाई वाले टर्म को इधर रखो, बाकी टर्म को आप उधर ले जाते हो, 8x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 23 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक ये होती है कि जो वाई का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप 9 को इस तरफ भी ऐड करवा दो और आप 9 को इस तरफ भी ऐड करवा दो। क्या किया आपने, y का कोएफिशिएंट जो है इसको 2 से डिवाइड किया, 3 आया, -3 आया, एक ही बात है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो 9 हो जाएगा। 9 आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करवा दिया, 9 आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवा दिया। अब इन तीनों टर्म की जगह आप लिख सकते हो y-3 का होल स्क्वायर, और इधर 23 + 9 ये हो जाएगा 32 के बराबर। इन -8x और 32 में से आप -8 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x-4, 32 में से जब आप 8 कॉमन लोगे तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की। जब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अब आपको कोई मसला ही नहीं है, आप हर चीज़ निकाल सकते हो। कैसे, जो यहाँ पे चीज़ लिखी होती है ना वो लेटेस्ट एक्टम होता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, तभी देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम क्या आ रही है, 8 के बराबर। जो यहाँ पे x के साथ लिखा होता है वो h होता है, जो यहाँ पे y के साथ लिखा होता है वो k होता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव के साथ है ना तो h की वैल्यू 4, h की वैल्यू 3, अगर दरमियान में पॉजिटिव आ रहा होगा ना तो फिर आप 4 को नेगेटिव लोगे, मतलब फिर आप कहोगे h जो है वो -4 के बराबर है, लेकिन दरमियान में नेगेटिव आ रहा है तो अब आप इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखने में लग गया h और k की वैल्यू। अच्छा, a कैसे निकालोगे, ये जो x के साथ चीज़ लिखी होती है ना ये 4a के बराबर होती है जो मैंने वहाँ पर किया था, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा -2 के बराबर। जब आपके पास h, k और a आ जाएगा तो आपके मसले खत्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जो कन्वेंशनल मेथड है उसको फॉलो करोगे तो आपके पास आसानी से h, k और a की वैल्यूज आ जाएंगे। अब किसी को इश्यू है तो बताओ। सर एग्जाम्पल नंबर 2 में इक्वेशन राइट है x+4 नहीं होगी, यार इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने मिटा दी है, थी क्या वा मेखल में थी y² = -16x, ये थी ना, तो इसमें क्या कह रहे हो तुम, x+4 नहीं होगी या डायरेक्टिस यहाँ पे बनेगा। और आपको पता है अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x = constant, कांस्टेंट क्या होता है, ये पूरा डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या था 4 के बराबर, तो जब इधर लेके आओगे x-4 होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो आपने बात बोली है। मैंने बार बार बोला, जो मैंने टेबल बताया उनको याद कर लो भाई, उसके मुताबिक आ जाएगा आंसर। सर +9 ऐड कराया था, +9 ऐड करवाया था, हाँ +9 ऐड करवाया था, तो वो y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया था, 3 आया था, उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करवाया था। और कोई सवाल किसी का यहाँ पे? अब अगर आपको h, k और a मिल गया तो लेटेस्ट सेक्टम आपने निकाल लिया, वर्टेक्स आपने निकाल लिया, फोकस ए कोऑर्डिनेट्स टेबल में जाके आप देखोगे तो h+a, k होते हैं, तो h यहाँ पे 4 है, यहाँ से भी आपने देख लिया, a यहाँ पे -2 है और k यहाँ पे 3 है, तो फोकस ए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 3। और लेट कर लो आखिरी चीज़, हमने क्या हम कंसिडर कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिसिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिसिस क्या होती है, ये मेरे कौन सा 5वां वाला केस है, तो 5वें वाले केस में अगर आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिस देखोगे तो वो क्या होगी, x के मेरे ख्याल में x = h-a होती है, मुझे याद नहीं है, मैं ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टिस होगा, ये पूरा h होगा, h में से आप a माइनस करोगे, हाँ ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिस होती है 5वें वाले केस में। तो यहाँ पे h आपके पास क्या आया है 4, a यहाँ पे क्या आया है -2, तो -- पॉजिटिव, x + 6, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो x - 6 = 0, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिसिस। असल चीज़ क्या है, आपको वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद क्या है कि अगर आपको टेबल आते हैं
तो आप आसानी से पुट करोगे और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। मुझे बताओ यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है? तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, मैं जब खुद आंसर की बना रहा होता हूँ ना MCQs की, तो मैं ये वाला मेथड लगता हूँ। बस इसमें दो तीन स्टेप आपको करने होते हैं, आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट किया और ये आपका कन्वेंशनल मेथड है जो आप एग्जाम में भी करते हो। आपने जब आपने स्वॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आपको एच के ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, अगर तो सवाल आपके पास होना कि लेटर सेक्टम निकालो, तो लेटर सेक्टम के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ट्रिक बताई है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लेटर सेक्टम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए वर्टेक्स या फोकस या डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन, तो उसके लिए आपको एच के और ए चाहिए होता है। तो फिर आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एच के ए की वैल्यू आ जाएगी, उससे जो आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दे देना। सर कन्वेंशनल मेथड दोबारा रिपीट कर देंगे? यार दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, मैंने काफ़ी डिटेल में एक चीज़ बार बार बताई है, अगर कोई मसला हो तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, मेरी मजबूरी समझो। मैं शुरू से बात बता रहा हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा समझोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे नहीं कि जो पहली दफ़ा समझ आएंगे। अगर आपने इंटर में नहीं पढ़ा तो फिर रिकॉर्डिंग जो है ना उसको बार बार देखना, मेथड क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ तक यार कोई सवाल है? पैराबोला का टॉपिक जो है ना हमारा कंप्लीट है, क्योंकि पैराबोला में यही तीन चार चीज़ें जो है वो पूछी जा रही होती हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अच्छा, पैराबोला में आपसे सेंट्रिसिटी का सवाल आता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। इसेंट्रिसिटी का सवाल जो है वो इलिप्स या हाइपरबोला का आपको बता देंगे, या तो इलिप्स की दे देंगे इसेंट्रिसिटी निकालो, या हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी दे देंगे। तो ये मेथड बस देख लेना, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो, दोबारा समझना चाह रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग में अगर किसी पॉइंट पर जाके इशू होना तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना कि सर ये चीज़ जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही। मसला होगा नहीं यार, मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा होता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ काफ़ी।